पोटाशियम से भरपूर पालक पराठा। फुल वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमर किचन व्लॉग। आज हम बनाएंगे पालक का पराठा, एकदम कैस्ट्रोल फ्री पोटाशियम से भरपूर पालक का पराठा। ये मैंने पालक ली है, साथ में हरी मिर्ची ली है, इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको एक जार में डाल लेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे, पालक का हम जूस तैयार कर लेंगे। ये मैंने कनक आटा लिया है, मैंने 2 कटोरी कनक आटा लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये मैं हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ मक्की का आटा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये ऑप्शनल है। अब मैं इसमें पालक का जूस डालूँगी जिसको हमने ब्लेंड किया था, साथ ही में मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। जीरा, कमिन सीड, धनिया मसाला, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। काली मिर्च। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे, इसका अच्छे से बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना आटे का डो पतला हो जाएगा और पराठे अच्छे से नहीं बनेंगे। ये देखिए आटा अच्छे से गूंद गया। अब हम इसको 3 से 5 मिनट तक रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून घी, ऑयल या बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको फिर से थोड़ा सा नीट कर लेंगे, उससे क्या है हमारा डो जो है बहुत ही स्मूथ बन जाएगा और पराठे में टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। ये देखिए डो एकदम रेडी है, अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये ऐसे मैं थोड़ा आटा ले लूँगी, इसका पेड़ा बना लूँगी। ऐसे हमने सॉफ्टली इसको दबा लेना है, मैं 2 से 3 पेड़े बना के रख रही हूँ।
नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम इसमें सूखे आटे में ऐसे करके मट्ठी बना लेंगे। अब हम बेलन की सहायता से इसको अच्छे से गोल गोल बेल लेंगे। मैं सारे पराठे ऐसे बेल लूंगी। दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया था। अब हम पराठा सेकेंगे। आप देख सकते हो एकदम गोल बना है। पराठे को हम लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, वरना हमारा पराठा जल जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और कितना यम्मी लग रहा है। आप भी घर पे जरूर ट्राई करना और एकदम बढ़िया और हेल्दी पराठा बनता। अगर आप कैस्ट्रोल फ्री बना रहे हो तो इस पे बटर या घी मत लगाना, आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया होता है। गाइस ध्यान में रखना कि ऑलिव ऑयल को हम तवे पे यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल जैतून का तेल यूज़ कर रहे हो तो पराठे को प्लेट में रख के फिर लगाना, ऐसे तवे पे मत लगाना। मैंने अभी देसी घी यूज़ किया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया पराठा लग रहा है। आप देख सकते हो पराठा अच्छे से बन गया है। अब मैं ऐसे बाकी के भी पराठे सेक लूंगी, सेम प्रोसेस। मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। मैं पराठे को आम के अचार और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। दही में बूंदी और मसाला डालूँगी, आप अपने हिसाब से सर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो पराठा कितना यम्मी लग रहा है, आप भी घर पे जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।